दोस्त हो बिबियन के? जी। वो कैसे? मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया है। बिबियन ने रिम कहाँ से लिया था? गुजरा मेरा। अच्छा, और उसकी गाड़ी का नाम क्या है? एक का नाम लो, एक का नाम रूडी, एक का नाम लिली। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, इस मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बस हमारा जो है नाश्ता तैयार है, बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी का जो है ना आज सीन होगा क्योंकि हमने शाम को जाना है शादी पे, और शादी पे जाने से पहले पहले मेरी कोशिश है कि मार्केट्स पूरी पैक कर लूँ इंटीरियर के लिहाज से। लास्ट ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा, उसमें हमने पूरी गाड़ी तो नहीं खोली थी, लेकिन थोड़ी बहुत गाड़ी खोल दी थी, डोर कार्ड गाड़ी के खोल दिए थे, डैशबोर्ड का हिस्सा खोल दिया था, तो वो बहुत ही बुरा लग रहा है, शादी पे जाने के लायक नहीं है। बाइक से तो ठीक है, लेकिन अंदर जो बैठेगा वो आवाज़ आ रही रहेगा। मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमें आज हर हाल में रूडी को पैक करना है इंटीरियर के लिहाज से, इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक अभी से कर दो ताकि आप बाद में भूल ना जाओ, और इंस्टाग्राम भाई को फॉलो भी कर सकते हो। लेट्स गो। और ये रहा हमारा नाश्ता, गरम गरम चाय, ओए होए ओए होए। और ये साथ हमारे पास क्या है ऐसे, इसमें मैंने देखा नहीं, क्या बात है यार, रिच नाश्ता ये तो। की बिखरी हुई गाड़ी हो, इतना ज्यादा रश हो, जुम्मे का टाइम हो, काम बहुत ज्यादा हो, और ऐसा नाश्ता हो, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। गुड नाश्ता, गुड नाश्ता, नाश्ता इज वेरी गुड। बॉयज रूडी आ चुकी है रिजवान भाई की शॉप पे, और यहाँ पे काम शाम जारी है। गत्ते शत्ते बहुत फिट हो गए हैं, अभी आपको फिट करके दिखाते हैं। अभी इसकी ये जो कोशिश थी उसकी दोबारा कोशिश वापस लगा रहे हैं। साउंड डैम्पनिंग के लिए होती है, जिसके लिए भी होती है ये, लेकिन ये आपकी गाड़ी के डोर कार्ड्स में लाजमी लगी होनी चाहिए, ताकि अब अभी मैं डोर कार्ड्स के बगैर चला रहा हूँ तो बाहर का शोर इतना ज़्यादा अंदर फील होता है कि मतलब पता चलता है कि यार गाड़ी अभी खिलरी पड़ी है। इनके साथ गाड़ी का शोर बहुत बहुत कम हो जाता है अंदर कैबिन के अंदर, जो कैबिन नॉइज़ की बात कर रहा हूँ मैं आप। तो अभी ये लगाएंगे अच्छी तरह इस गाड़ी, इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे और फिर आपको गाड़ी की लुक दिखाएंगे। फिर रह जाएगा डैशबोर्ड वाले वो जो तीन पार्ट्स हमने कल निकाले थे। बॉयज़ जब तक हमारी गाड़ी के जो डोर कार्ड्स हैं वो लग रहे हैं, मीनवाइल हमारे जो ये ट्रिम्स हैं, वुडन ट्रिम्स जितनी भी हैं, वुडन डिलीट करने लगे हैं बेसिकली। वुडन सेंटर वाला तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये साइड वाले अभी शायद कर भी, मेरी भी हो जाएगा वो सेंटर वाला, वो जो बड़ा वाला है वो मुश्किल है, वो जुम्मे के बाद, जुम्मे के बाद कर लेंगे, लेकिन करना आज ही है। ठीक है, और ये देखो जरा चेक करो, मैं कहता हूँ सस्ते में कार्बन फाइबर डिप हो गया, ये बताना नहीं रिजवान भी किसी को। This looks very very nice. Black के साथ touch बहुत ही खूबसूरत और उम्दा देगा ये। और wooden trims हमारी दो रह गई हैं, इन दोनों को भी अब wrap करते हैं। हमने as soon as possible अपना maximum काम complete करना है, क्योंकि जुम्मे का भी time है, जुम्मा भी पढ़ना है। Secondly, dashboard वाले parts के भी खबर लेनी है, update लेनी है कि वो हो गए हैं या नहीं हुए। तो बाकी ये है कि गाड़ी wash भी करानी है, शाम को शादी पे भी जाना है, तो बड़ी ना भी खिचड़ी बनी पड़ी। देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं हो पाता। लेकिन अलबत्ता भाई इन्होंने दिल जीत लिया यार, कसम। तो बॉयज फाइनली हमारे चारों जो वुडन ट्रिम्स थी वो हो गई हैं डिप, आई मीन रैप।
हाँ जी भाई, और कितना टाइम रह गया? और सिर्फ 10 मिनट रह गया यार। क्या बात है, मैं कहता हूँ बेहतरीन हो गया। क्या बात है, ये वैसे नजर नहीं आना, इसलिए इसको छोड़ दो, सिर्फ इतना हिस्सा देखो। शाइन भी अच्छी है और वो फेडेड नहीं है वो, क्योंकि लोग मोस्टली लगाते हैं तो वो फेड हो जाता है उसका रंग, वो मज़ा ही नहीं आता। तो इस पे जो है ना, ये गुड लग रहा है। अब वो एक पीस रह गया, वो करते हैं और फिर फाइनल आपको लुक दिखाते हैं थोड़ी देर में गाड़ी की। तो बॉयज, फाइनली 2 से 3, 3 से 4 घंटे बाद हमारा इंटीरियर फाइनली पैक है, एक्सेप्ट ये जो फ्रंट के डैशबोर्ड। अभी का सीन ये है कि इंटीरियर हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सस्ते में अच्छा लग रहा है। बाकी अभी ये जब पूरा फ्रंट से भी पैक होगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया यार ये जो बाकी का बेज पार्ट है इसको ब्लैक करें या ना करें। वैसे आपस की बात है, अपना दिल कर रहा है कि ब्लैक कर दें, क्योंकि जो डोर कार्ड्स हैं वो टोटली ब्लैक हैं। अभी आप वीडियो में देखोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सही प्रॉपर शॉट्स के, डोर कार्ड्स टोटल ब्लैक है और कार्बन फाइबर का टच है। तो ये जो हल्का हल्का बेज है ना, वो जहरीला लग रहा है। शाउट आउट टू रिजवान भाई, अंडर वन रूफ आपके लिए ये सारे काम ये बंदा कर सकता है। स्टिकरिंग, पेपरिंग, नंबर प्लेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने बम्पर का काम कराना है वो भी है। ये आप ये ना समझो कि ये सिर्फ पेपरिंग स्टिकरिंग का काम है। भैया रिजवान भाई इज ऑलराउंडर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये बंदा ऑलराउंडर है, इसे दोस्ती करो, बड़ा काम का बंदा है। अगर आपको गाड़ियों का शौक है, मेरे जैसा ये पुरानी गाड़ियों का शौक है, तब तो बहुत जरूरी है ऐसा बंदा आपके पास हो। इनके पास आए और अपना काम करवाएं, आई विल अटैच। बहुत सारे लोग आप लोग मुझे डीएम करते हो इंस्टा पे, इसीलिए आज वंस एंड फॉर ऑल दोबारा से मैं आज इन डिस्क्रिप्शन में रिजवान भाई का नंबर मेंशन कर रहा हूँ। एक दफा नंबर सेव कर लो अपने फोन में, ताकि बार बार आपको ना मुझे डीएम करके पूछना। यार बहुत अच्छा लग रहा है यार, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ ये भी कार्बन फाइबर, ये भी कार्बन फाइबर। अगर ये डिप होता क्या ही खूबसूरत लगता, लेकिन ये सस्ते में हमने किया, ये भी नॉट बैड लग रहा है। हल्का हल्का उसके ऊपर देख रहे हो आप, मतलब वो शाइन, वो ये वाली शाइन नहीं है, लेकिन ये सस्ता है। हमने डिप नहीं करवाया, ये देखो कितना फिट लग रहा है। हल्का हल्का यहाँ पे असरात हैं वुडन के, लेकिन कुछ नहीं होता, हम इससे गुजारा कर लेंगे। बाकी इंटीरियर इज वेरी गुड। रिजवान भाई नेक्स्ट क्या करें यार, पहले डैशबोर्ड करवा लेना। हाँ, इसके बाद देखेंगे क्या करना है, बाद में अंदर देखेंगे इंटीरियर में क्या हमें क्या कम नजर आ रहा है, वो हम करें। अब हम जा रहे हैं खबर भाई के पास, खबर भाई के पास जाके देखते हैं कि इसके डैशबोर्ड का जो अपडेट है कहाँ तक पहुंची है। भैया डैशबोर्ड अगर पेंट हो गया तो वो भी लग जाए, बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शादी पे जाना, शादी पे जाते ऐसा बंदा ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। मैं आपको मैंने बताया मुझे तो मसला नहीं है, जो घर वाले हैं उन्होंने मेरे बातें सुनाई है, रखा गया हर वक्त वर्कशॉप पे डर। इस वक्त आपका भाई डायमंड ट्यून वर्कशॉप के पेंट बूथ में मौजूद है। पेंट बूथ में मौजूद क्यों है, क्योंकि भाई मशीन चल रही है, शोर बड़ा है, वर्कशॉप पे व्लॉगिंग करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अपडेट ये है कि हमारे जो डैशबोर्ड के पार्ट्स थे जो हमने कल उतरवाए थे वर्कशॉप से, पेंट देखते हैं कि कैसा पेंट होता है, फिर यहाँ से जाएंगे। एक दफा तसल्ली हो जाएगी मेरी कि यार अच्छा ये वाला ही पेंट हमने करवाना था। भैया फाइनली हमारे जो ये पार्ट्स है सारे ब्लैक पेंट हो गए हैं, और भाई लग ही नहीं रहा जैसे कि ये पहले कभी जिंदगी में बेज होते थे। मुझे तो लगता है ये बने ही ब्लैक थे, और क्या खूबसूरत और मतलब मजेदार इसकी फिनिशिंग आई है। जेन्युइनली ये बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई खास इसकी शाइन भी नहीं है। पेंटर भाई बात सुने, पेंटर भाई ये फाइनल है या कोट और लगने हैं? फाइनल है, कोई लेकर लुकर तो नहीं लगना यार, तो शाइन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ बेहतरीन है, जिस तरह ओरिजिनल होता है ना उसी तरह है ये। और यार पेंटर भाई ये क्या है, ये देखें इधर आए, ये देख रहे हैं ये हो धारा छोड़ दिए ना आपने, कुछ हो जाएगा पक्की बात है। ओके आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, कब तक हो जाएगा ड्राइव? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी गाड़ी में लग जाएगा नौकर। नहीं पढ़ रहा भाई निशान, क्या हो गया ब्रदर आपको? वो पेंटर भाई ने कहा है वो लगाना है ना, हुआ कुछ नहीं भाई, इधर बहस हो गई है डेंटर भाई और पेंटर की। पेंटर कहता है ये लगाओ, डेंटर कहता है निशान पड़ जाएंगे इसके ऊपर। हो गया, अल्लाह तुझे खुश रखे, बड़ी मेहरबानी, इंजॉय कर जिंदगी। और इंटीरियर इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्लैक का टच देने से कि इंटीरियर इतना खूबसूरत लग सकता है। अब ये जो स्क्रीन है ना ये बुरी लग रही है, वो 300G प्रीमियम वाली है, वो हल्का सा ना डार्क शेड लगाती मारती है, मतलब ये सिल्वर ये बुरा लग रहा है। ये गियर भी इवन ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये स्क्रीन नहीं अच्छी लग रही है। और उसके अलावा आपके क्या मशवरे हैं
इंटीरियर मॉडिफिकेशन के लिहाज से आपने अपने भाई को जरूर ताना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का कल का चक्कर बच गया और ये हमारा जो है ना इंटीरियर वाला काम वेरी गुड हो गया। और आपने एक और बात बतानी है कि ये चीज़ पेंट करवानी है, ये कोशिश करनी है हमने, और वो ये करें या ना करें, छत इतने हिस्से को हम नहीं छेड़ेंगे, ये छत वाले हिस्से को। और बस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये रूम अभी कैसा लग रहा है। अब अपडेट ये है आपका भाई इज ऑल सूटेड एंड बूटेड फॉर मेहंदी। मेहंदी का फंक्शन था और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि हमारी गाड़ी पैक है तो हमें बातें सुनने की नहीं मिलेंगी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, शक्ल से अंदाजा लगा सकते होगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये डैशबोर्ड आज ही फिट हो जाएगा। आज ही फिट हो गया तो आपका भाई हो गया डबल हैप्पी, साथ जाएंगे और शादी खाएंगे, मैं कहता हूँ मजे आएंगे। इसी बात पे कर दो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो और इन सभी भाई को फॉलो भी कर सकते हो। लंबा सफर है रिंग रोड का, चलते हैं और शादी खाते हैं। वही हम लोग पहुंच चुके हैं शादी पे और लेट भी काफ़ी हो गया है। खाना खाना खाएंगे, मजा करेंगे। अपना व्लॉग जो है ये आज का यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कलमा चौक कब बनेगा यार? तो ये सीन ये हो गया कि इस तरह की कोई पीसेस थे जो कि डैशबोर्ड के अंदर पड़े हुए थे और हमने डैशबोर्ड कल खुलवा के माशाल्लाह वर्कशॉप पे छोड़ दिया है। इस वजह से मैं पूरी गाड़ी खुलवा नहीं रहा था एकदम, इसीलिए अब वो जो है डैशबोर्ड के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो लेने चलते हैं, वो लेकर आते हैं। ये ले